अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, हम आयदन की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हमने देखा इतनी बड़ी मार्केट बनी हुई है, लबलबी चाशी, मतलब ये बाज़ार है, चने का बाज़ार। चने की यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो तो खैर मैंने खाई थी, बट इतना ज़बरदस्त लेवल के ऊपर चने का काम हो रहा है ये तो मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता, बल्कि आपको दिखाऊंगा, आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। तो हम लोग जाते हैं इस आउटलेट के अंदर और आप देखेंगे चने से ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अमेजिंग, और सारी टेस्ट में एक से बढ़ के एक है। इनके पास डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स भी हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन असल काम जो है ये चने का। ये देखें, ये सारी चीज़ें चने से बनी हुई हैं। आगे आ जाएं, यहाँ से पार्टी शुरू होती है। आप देखें ज़रा, मतलब देखने में ये ऐसे लग रहा है कि ये कोई मिठाई है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अनबिलीवेबल, ये सारे चने से बने हुए। और इसमें से कुछ चीज़ें मैंने खाई भी, इतनी ज़बरदस्त हैं टेस्ट के अंदर कि आपकी सोच है, मतलब ये लोग कितना काम करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट, चॉकलेट डाला हुआ है इसके ऊपर इन्होंने, और क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं इन लोगों ने। कोई मसाले वाले चने भी हैं, कोई फ्राई किए हुए हैं, ये सारी स्वीट डिश हैं चने से बनी हुई। और ये देखें, ये चने की नॉर्मल फॉर्म है जिसके अंदर आपको देख के लगेगा कि हाँ ये वाकई चने। अब देखें इसको, इन लोगों ने जो है वो सेका हुआ है मेरे ख्याल से, ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर लग रहे हैं, लेकिन इस पर भी कुछ ना कुछ किया हुआ इन्होंने। इसके ऊपर हल्का सा जो है वो उन्होंने स्पाइसी किया हुआ है इसको, वो वाइट चने, इसके ऊपर भी कोटिंग की हुई है किसी चीज़ से, ये सफ़ेद चने। अच्छा, ये जो है इसके ऊपर इन्होंने तिल डाल के जो है वो इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, तो ये थोड़ा सा मीठा टेस्ट हो जाता है चने का, मतलब खाने से पता ही नहीं लग रहा कि यार ये चने, इतना काम किया हुआ है इन्होंने इसके ऊपर। ये देखें, ये भी इन्होंने कैंडीज टाइप की बनाई हुई है सारी। ये देखें, ये कुछ और है, हाँ ये फंदक है। अच्छा, ये यहाँ से जो है वो ड्राई फ्रूट्स का जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो गया, बट ये लोग चने बहुत शौक से खाते हैं और इसको अलग अलग तरह की चीज़ों के साथ जो है वो कुछ ना कुछ इसकी रेसिपी चेंज करते रहते हैं और बना के खाते हैं। ये क्या है? ये है। अच्छा, और वो भी मेरे ख्याल में चने का, हाँ ये भी उन्होंने खाया, मतलब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम कर रहे हैं यार चने के ऊपर। ये देखें, ये भी सारे चने, ये देखिए चॉकलेट यार, ये देखें, ये भी चॉकलेट कैंडी स्टाइल की बनाई हुई है छोटी छोटी। ये पॉपकॉर्न की तरह जो है वो इसके ऊपर कोई कोटिंग की हुई है इस तरह की, इट लुक्स लाइक पॉपकॉर्न। ये पिंक कलर के इन्होंने बनाए हुए हैं, इसके ऊपर भी कोई कोटिंग की हुई है, ब्लैक कलर की है। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया हुआ है इन लोगों ने। ये देखें, ये 42 लीरा, ये 42 लीरा पर केजी है, ये 45 लीरा पर केजी है। ये केजी की प्राइस है, ये 75 लीरा पर केजी है। ये इसके ऊपर इन्होंने पूरी चॉकलेट कोटिंग की हुई है, ये 45 लीरा। और यहाँ पे आप प्राइस देखें, प्राइस का भी आपको आइडिया होगा। यहाँ आ जाए, ये 98 लीरा, ये फंदक है। यहाँ पे चने की जितनी भी आइटम है अराउंड 45 to 60 के दरमियान है। ये देखें यहाँ, ये 75, ये 75 1। बेहतरीन, ज़बरदस्त चीज़ बनाई है यार माशाल्लाह इन्होंने। इनका आउटलेट दिखाइए पूरा, कि इन्होंने पूरा आउटलेट कितना बड़ा बनाया हुआ है। इसके बाद पहाड़ शुरू होंगे। अच्छा, इस एरिया के बाद स्टार्ट होंगे पहाड़। कितनी बड़ी बड़ी इंजीर है। अच्छा, चने को ये टर्की जबान में लबलबी कहा जाता है। अच्छा, ये साबुन है सारे, वाओ। अब ये आप ही बता सकते हैं, ये पढ़ के कि किस चीज़ के साबुन बने हुए, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। ये गार्लिक का साबुन बना हुआ है। और ये कोई यहाँ की एक नबात है ना, और ये भी एक नबात है।
इसमें से कोई अच्छा ये सारे यहाँ पे लोग फूलों के अच्छा ये सारे फूलों के ये फ्रेंच का है यानी चावल का। अच्छा और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा तभी तो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये इसके बाहर आपने यहाँ देखे ना यहाँ तो बहुत सारे फार्म्स हैं। जी जी फार्म हाउसेस तो पूरे रास्ते में ये इससे बनाते हैं। सही और ये किस चीज़ का है? हिंदुस्तान जेविस ये उसका है जो कोकोनट कोकोनट का है। अब आप लोग बताइए आप लोगों ने देखे हैं ऐसे साबुन? मैंने तो कभी नहीं देखे थे ज़िंदगी में। यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ों के जो है वो इन्होंने साबुन बनाए। ये किस चीज़ का है? चॉकलेट का तो नहीं है? आर्दिक 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 यहाँ एक चीज़ है। अच्छा ये जैतून का है। अच्छा ये जैतून का। जैतून जो है वो जैतून जो है वो इनके हर खाने में जैतून लाजमी होता है। हर चीज़ के ऊपर ये जैतून को जो है वो डालते हैं इसके बाद खाते हैं। तो जैतून तो इनकी डेली लाइफ का डेली रूटीन का पार्ट है और यहाँ पे बड़ी बेस्ट क्वालिटी का जैतून होता है और इनके अपने जगहें होती हैं जहाँ पे जैतून होता है सारा। ज़ाफ़रान का साबुन। अच्छा ये ज़ाफ़रान का है और ये जो है ना ये लवंत का साबुन है ये जो अभी हमने फूल और वहाँ जी 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 अभी हमने रास्ते में देखे थे। सही हाँ ये देखिए इशिक सुतु ये गधे की जो वो है ना उसका साबुन है गधे की दूध का। अच्छा जो गधी होती है इसकी दूध का साबुन। स्ट्रेंज यार आप लोग देखें कि ये जो साबुन है ये गधी के दूध का जो है वो साबुन बना हुआ है और इसका बेनिफिट होता होगा तभी तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो दूसरी मार्केट्स में भी जो है वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं ये साबुन तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सही जी जी ये कहता है कि आपको ज़्यादा यानी जवान दिखाएगा। अच्छा जवानी यानी चेहरा स्किन के लिए अच्छा है। स्किन के लिए अच्छा है। अच्छा दूसरा है कि बालों के लिए अच्छा है। बालों की ग्रोथ के लिए बालों की मजबूती के अच्छा। लिए और ग्रोथ के लिए। दूसरा ये है कि यहाँ जो दाने वगैरह होते हैं ना इसके लिए भी अच्छा है चेहरे। अच्छा ज़बरदस्त यार बेहतरीन आज नई चीज़ है। एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ मेरी भी और जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अब ये लेना पड़ेगा मुझे लगता है। साबुन गद्दी की जो साबुन है उसकी जो दूध है उसकी साबुन सही। अब ये लेके जाना पड़ेगा पाकिस्तान अब से तो ये इंशाल्लाह अब लेंगे ले जाएं पाकिस्तान देखे किस तरह। वो गधी के दूध के थे ये बकरी के दूध के साबुन है। मतलब इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है दुनिया में जो चीज़ें ना सबके साबुन बनाए और होगा बेनिफिट काफ़ी सारा इसीलिए लोग आगे ख़रीदते भी हैं। कितने ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल के ऊपर ये लोग बेच रहे हैं। 5 लीरा का एक साबुन है। 5 लीरा कॉस्ट है एक साबुन का जी। एलोवेरा का है। एलोवेरा का एलोवेरा तो वैसे भी बड़ी बेस्ट चीज़ है। ये जो है ना दूध और हनी का है। अच्छा आर्गन ये एक यहाँ पे एक चीज़ उगती है उसके। अच्छा आर्गन का तेल भी होता है ना मेरे ख्याल। और ये जो है वो फ्लावर्स का है। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। स्पार्टा एक शहर है जहाँ पे जहाँ के रोज़ेस बड़े मशहूर हैं वहाँ पे रोज़ेस की बड़ी प्रोडक्शन है तो ये वहाँ की प्रोडक्शन है। पाकिस्तान सेम टर्की सेम सेम तुर्की पाकिस्तान सेम सेम ये थी लवली मार्केट मतलब चने का बाज़ार और इसके अंदर बहुत सारी किस्म की नई चीज़ें हमने देखी हैं और चने के ऊपर इतना काम हो सकता है इसका मुझे तो आइडिया नहीं था। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा तो ये एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। आज फिर मिलेंगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम।